मैं पूजा, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन पूजा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है ना, वो एक रिक्वेस्टिंग वीडियो रिक्वेस्ट आई थी कि दी कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारे जो ये चिक है ना, जो हमारे गाल है ना, वो फूल जाए। हो सकता है उन्होंने मुझे देखा होगा, ये मेरे फूले फूले गाल देखे होंगे, इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो मैंने सोचा इसको पूरी कर दी जाए, क्योंकि मुझे पता है, कुछ आइडिया है मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको बता दिया जाए। और अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो इसको लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। उससे पहले मैं आपको ये कह देती हूँ कि चाहे आपके गाल यानी चिक फूले हुए हैं या पिचके हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे हो अच्छे हो, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे गाल थोड़े से पिचक जाएं, वैसे आप चाहते हैं कि थोड़े से फूल जाएं। नीड आवश्यकता तो हर चीज की करनी चाहिए, इसी का नाम जिंदगी है। कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है और उसे हमें पूरा करना चाहिए, तो चाहे ये यही क्यों ना हो। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर आप ये तीन चीज आप करते हो ना, तो फिर आप कुछ भी कर लो, आपके गाल नहीं फूलेंगे। अगर आप ये तीन चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप इसको छोड़ दोगे ना, तो आपके गाल जो है वो नेचुरल तरीके से ही फूल जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये तीन चीज करते हो ना, तो बिल्कुल इसको करना बंद कर दो। सबसे पहली बात, अगर आप पानी बहुत कम पीते हो तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पानी कम पीने से हमारे शरीर में जो पोषण होते हैं ना, वो कम हो जाता है, हमारे शरीर की ग्रोथ कम हो जाती है। इस वजह से जो हमारे गाल होते हैं, उनकी कुछ मांसपेशियां जो होती है ना, वो सिकुड़ जाती हैं। तो आप जो पानी पीने की जो कम आदत है ना, उसको सुधारिए और पानी ज्यादा पीजिए, ठीक है। दूसरी बात होती है, अगर आप देखो आप खा क्या रहे हो, आप डाइट है, आप अच्छी डाइट लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं फालतू चीज खा रहे हो, आप हरी सब्जी नहीं खा रहे हो, आप दाल नहीं खा रहे हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेज एग नहीं खा रहे हो, ऐसी मतलब जो हेल्दी फूड है वो नहीं खा रहे हो, बाकी सब कुछ खा रहे हो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो ये भी आदत छोड़ दो। और तीसरी बुरी आदत, अगर आप स्मोकिंग करते हो, आप पान गुटखा तंबाकू खाते हो, तो बिल्कुल छोड़ दो। वो हमारे गालों के लिए ही क्या, वो पूरी हमारी हेल्थ के लिए खराब होता है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हो, पान गुटखा ऐसा कुछ कर रहे हो, खा रहे हो, तो उसको छोड़ दो। देखिएगा आपके गाल जो है ऑटोमेटिक फूल जाएंगे। और अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, तब भी आपके गाल पिचके पिचके हैं ना, तो मैं आपको ये जो रेमेडी बता रही हूँ, बस आपको ये करना है। फिर देखिएगा एक हफ्ते के अंदर, यानी 1 वीक के अंदर, आपके गाल ना आपको फूले फूले नजर आने लगेंगे। आपको लेना है बादाम ऑयल, ठीक है, बादाम ऑयल लेना है, या आपको कोकोनट ऑयल लेना है। आपको इसको ओपन करना है, यानी आपको इसे अपने फेस पे लगाना है, अपने चिक एरिया पे लगाना है, ठीक है। तो ये आपको बादाम ऑयल यहाँ पे लेना है, लगभग आधा इतना आपको बादाम ऑयल ले लेना, ठीक है। अच्छा खासी क्वांटिटी में आपको ऑयल लेना, ठीक है। आपने ऑयल ले लिया, अब आपको इसको सर्कुलर मोशन में पहले करना है, ठीक है। आपको इसको गोल गोल करना है। गोल गोल करेंगे तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो अच्छा हो जाएगा। तो इसे हमें गोल 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 करना है, लगभग 4 से 5 मिनट, ठीक है। और बीच बीच में हमें अपने गालों को ऐसे ऐसे करने लगाना, जैसे हम बच्चों के नहीं गाल करते हैं, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। फिर आपको गोल 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 करना है, और फिर आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे आपको करना है 4 से 5 एम। इसके बाद आप 5 मिनट ये कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे, ठीक है, पीछे की तरफ अपने गालों को ले जाना, ऑयल लगे रहने दीजिएगा। इसको भी आपको लगभग 5 मिनट तक के करना है, और इसे आपको डेली करना है, नाइट में करना है, ठीक। इस तरह से पीछे की तरफ आपको अपने गालों को ले जाना। इससे जो भी आपकी मांसपेशियां सुकड़ी होंगी, या मतलब बंद हो गई होंगी, एक तरह से मैं बता दे रही हूँ, तो वो खुल जाएंगी, और आपके जो गाल पिचके हैं उनकी वजह से तो वो फूलने लगेंगे, ठीक है। आपकी मांसपेशियों की हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको 5 मिनट करना है, ये आपको डेली नाइट में करना है, 7 दिन तक के करना है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके जो पिचके पिचके गाल है ना, वो फूले फूले हो जाएंगे। और आपको लगता है ना कि आप पिचके गाल हैं आपके, इस वजह से आप सुंदर नहीं दिखते हो ना, तो वो भी
तो आप सुंदर भी दिखने लगोगे। लेकिन मुझे ना ज्यादा फुले गाल अच्छे लगते हैं, ना ज्यादा पिचके गाल अच्छे लगते हैं, तो मैं भी अपने गाल की पिचकाऊंगी। और एक बात, आपको ये जो ऑयल है इसको क्लीन नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि ऑयल ज्यादा है तो किसी कपड़े से बस उसको हल्का हल्का ड्राई कर लेना, उसको धो के नहीं सोना है। आपको मॉर्निंग में ही फेस वॉश करना है, नाइट में फेस वॉश नहीं करना है। इसको हल्का सा वैसे कर लीजिए या किसी कपड़े से क्लीन कर लीजिए। और एक बात और, ऑयल लगाने से पहले आपको ये मेक्श्योर कर लेना है कि आपके गालों पे, आपके चेहरे पे और कुछ ना लगा रहे, धूल मिट्टी भी ना रहे। तो फेस वॉश करने के बाद आपको ये करना है, क्योंकि अगर बिना कुछ, अगर आप फेस वॉश किए बिना ये करोगे ना, तो अगर आपके चेहरे पे कोई भी प्रोडक्ट लगा होगा या धूल मिट्टी क्यों ना होगी, तो तेल की वजह से ना आपके दाने निकल सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये मेक्श्योर कर लेना है कि आपका चेहरा एकदम क्लीन रहे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन जिन ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी उनको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा। कोई और रिक्वेस्ट होगी तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी का रिव्यू चाहिए, कोई रेमेडी चाहिए या कोई मेकअप चाहिए तो कमेंट करिएगा। अभी मैं मेकअप कर नहीं रही हूँ क्योंकि आई में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं मेकअप कर नहीं रही हूँ। तो जल्दी ही मेरा मेकअप का वीडियो आएगा। जिन लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा है कि दी आपका मेकअप का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो उनके लिए, तो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।